पार्लर नहीं जा सकते, हम कैसे कोई फेस पैक हमें मिल जाए और हम इसको लगा लें। ऐसे बहुत सी हमारे जैसे लेडीज़ सोचती हैं, जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक आप जानोगे नहीं इस रेमेडी को, तो पहले आप लगाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं उसीमा, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज मैं लेकर हाजिर हूँ कुछ ऐसा ही जो आपको पार्टी में, कहीं भी शादी ब्याह में या फिर अपने घर में खुद भी शादी हो, तो अगर आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है तो आप इस फेस पैक को इजीली बना सकते हो और लगा सकते हो। नो साइड इफेक्ट, बहुत अच्छा बेनिफिट देगा, स्किन को ग्लो करेगा, स्किन पे साइन लाएगा, आपके दाग धब्बे हटाएगा और ट्रस्टेड मानिए इंस्टेंट स्किन ग्लो देगा, अगर आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है तो। हम लोग क्या करते हैं, फेसियल कराने जाते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हम लोग सोचते हैं कि, हम औरतें ऐसे होती हैं कि सोचते हैं कि बहुत जल्दी कोई काम हो जाए जो कि हमारी स्किन पे ग्लो आ जाए, हम पार्टी के लिए रेडी हो सकें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको चलते हैं दिखाते हैं कैसे आपको इस रेमेडी को बनाना है, कैसे लगाना और इंस्टेंट आप इस पर ग्लो पा सकते हो। इसको हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हो और जो है ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट भी नहीं चाहिए, आपको ईजिली किचन में मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे इसको बनाना। चलिए, हम ले लेंगे सबसे पहले कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच भर के हम कॉफ़ी पाउडर ले लेंगे। और जो है ये कॉफ़ी पाउडर हमारे स्किन के लिए लाइटनिंग काम करेगा, स्किन पे जो है हमारे ग्लो लाने का काम करे। अब दूसरा चीज इंग्रेडिएंट हमें टमाटर, टमाटर पल्प 1 ही चम्मच लेना है, इसको निचोड़ लेना है, 1 चम्मच का रस मिल जाएगा आधे पल्प में। तीसरा चीज़ लेना है हमें जो है लेमन, इन तीनों इन्ग्रीडियंट को हमें मिक्स करना है। लेमन हमारे स्किन की ब्लीचिंग का काम करेगा, स्किन वाइटनिंग का, इसमें विटामिन सी होता है, टमाटर में भी विटामिन सी होता है, स्किन को लाइटनिंग करने के लिए, टाइट करने के लिए, ग्लो लाने के लिए बहुत हेल्प करता है टमाटर। इन सब तीनों चीज़ों के लिए जो है आपको बाहर नहीं जाना होगा, आपको किचन में ही अवेलेबल होगा ये सारे चीज़ें। इन सबको स्मूथली आपको मिक्स कर देना है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ कि आपको कैसे इसको लगाना है, और लगा के दिखाती हूँ आपको। जैसे मैं हमेशा सबको बताती हूँ, तो आपको बस पहले अपने फेस को वॉश करना, ऐसे लगाना नहीं है, पहले फेस को वॉश कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने स्किन पे, पूरे फेस पे अच्छे से हम इसको अप्लाई करेंगे। आप चाहो तो आधे मिनट तक मसाज कर सकते हैं, मैं ऐसे मसाज करते हुए पूरे फेस पे लगाऊंगी, मेरा आधा मिनट ऐसे ही निकल जाएगा। तो गाइज, आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है, फटाफट स्मूथली लग जाता है स्किन पे ये। अगर आपके घर में शादी है ना तो इसे आप लगा सकते हो, और ईजिली इसे 15 मिनट में आपको छुड़ा लेना है, आपको देखना इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा और आप रेडी हो सकते हो अपने शादी में तैयार होने के लिए। तो ये अगर पार्लर में ना जाने का बहुत अच्छा रेमेडी है, आप जितना फेसियल करवाओगे उतना ही ये ग्लो देने वाला है ये फेस पैक। इंस्टेंट कॉफ़ी के तो बहुत सारे फेस पैक होते हैं, ये रेमेडी कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है। मैंने इसको लगाया, मेरे स्किन पर बहुत ग्लो किया। आप चाहो तो इसे एक बार लगा सकते हो, एक बार ट्राई जब तक नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलने वाला कि ये कैसा है। ठीक है, तो आपको पहले ट्राई करना। मैं 15 मिनट बाद इसको धो लिया और देखिए स्किन पर फर्स्ट ही यूज़ में कितना ग्लो दिया, स्किन पर एकदम स्मूथली कितना ग्लो कर रहा था। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करिए, मेरे चैनल पे सबको सब्सक्राइब करिए, अगर अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, अगर आप जिसको ये वीडियो सजेस्टेड हो, यानी कि जिसको रिक्वायर्ड हो कि हम पार्लर नहीं जा सकते, हम कैसे कोई फेस पैक हमें मिल जाए और हम इसको लगा लें, ऐसे बहुत सी हमारे जैसे लेडीज़ सोचती हैं, तो उनके पास आप शेयर करिए ये वीडियो और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको ये फेस पैक। जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक आप जानोगे नहीं इस रेमेडी को, तो पहले आप लगाइए फिर उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स बताइए, फिर अपना अनुभव हमें शेयर करिए। ठीक है, तो चलते हैं, आएंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।